अब इसके बाद लास्ट पेट्रोल पंप कहाँ पे है इस मतलब इससे अगला 330 किलोमीटर ये है। देखो भाई एक गाटा लूप, यहाँ पे एक शॉर्टकट दिख रहा है, सारी बोतल ही बोतल पड़ी है। गाटा लूप है ना, इससे पहले ही सबकी हालत खराब हो रखी है। ले तो देखो पहुंचा नहीं जाएगा, यहाँ पे हमने इमरजेंसी में भाई कैंप सेटअप करना पड़ा। आगे जाया नहीं जा रहा भाई बिल्कुल भी। कैसे तगड़ा हिसाब किताब आ गया, बाय बाय। बिल्कुल खत्म रास्ता पड़ा है भाई। ठीक है हवाबाजी बिल्कुल ना करे, गाड़ी का हॉर्न चला गया है। सांस लेने में मतलब यूं थोड़ा सा लग रहा है। ओए माता रानी कपड़ा सुनना है रे, इस हिसाब से गाड़ी दी है 7 ही माइलेज। मनाली से ना ज्यादा ठंड है भाई यहाँ पे। अपनी स्कॉर्पियो एंड नटल टनल आ चुकी है, सारे रोड पे दरार ही दरार है। और भाई पूरा देखो पानी पूरा तकड़ा उफान मार रहा था, और यहाँ से तो भाई पूरा ही रोड बह गया। सेकंड डे है भाई अपनी ट्रिप का, आज हम मनाली में स्टे किया था। आज का पूरा रास्ता हुआ दिखाते हुए जाऊंगा कि मनाली से लेह तक का कैसा रास्ता है। देखो कल का थोड़ा सा बताऊं ना, मंडी से आगे 10-15 किलोमीटर तक का जो रास्ता था ना भाई, पूरा खत्म रास्ता था, बड़ा बेकार रास्ता है। मतलब आप यूँ लगा लो तीन साढ़े तीन घंटे जो है अपनी ट्रिप के एक्स्ट्रा लेके चलना। अगर फैमिली के साथ आ रहे तो मतलब आ सकते हो, 3-3.5 घंटे का ही वो है, वैसे कोई ज़्यादा नहीं है। पर थोड़ा सा आप परेशानी तो होती है, अगर आ रहे हो तो सुबह जल्दी निकलो ताकि ज़्यादा रात ना हो आपको यहाँ पहुँचने में। टूरिस्ट यहाँ पे इतने नहीं है, खाली सा ही पड़ा है मनाली, और मनाली में भी कई पैच भाई टूटे पड़े हैं। हाँ, अब देखेंगे भाई। तो, अरे ये कौन बजरी भर ले हो ना बेरो गाड़ी। अरे वहाँ आप वहाँ चढ़ाई थी ना, रुक जाना पैर तो मत इतना कोई माइनस तो है ना, टेम्परेचर की गाड़ी स्टार्ट ना हो गए, पर हाँ आवाज शायद जरूर बदली हो सके। चल दिए हैं ले की तरफ, और जो अपना ट्रिप है वो है इतना। कितने घंटे कितने बजे पहुंचा रहे हैं? 10-11, 5 बजे अगर नॉन स्टॉप जाओगे। अरे एप्पल कार प्ले में कनेक्ट नहीं कर रहे, बड़ा फुद्दू है भाई, बड़ा बेकार है यार एप्पल कार। तो बोलो जोर से, बोलो जय माता की। अगर आप नॉर्मल डेज में आते हैं ना, देखो अभी 7-12 हो रहे हैं, नॉर्मल डेज में आते हैं तो माल रोड भाई पूरा मतलब चहल पहल कुछ तो मिलती, पर अब देखो यहाँ पे मतलब लोग बाग ही नहीं है, ये लोकल से ही घूमने लग रहे हैं। मेरे को पता है लोकल क्यों लग रहा है, क्योंकि भाई ये ट्रैक सूट घूमने पर लोकल ही है यार, इतनी ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे ना, पूरा पानी आ गया, तो सारे पत्थर ही पत्थर आ रखे हैं यहाँ पे लेह से, जैसे मतलब लेह में सॉरी मनाली जैसे अब एग्जिट मारने लग रहे। तो मतलब है मनाली, अभी एग्जिट यहाँ से लगानी है, पहले रोहतांग टनल हमें जाना पड़ेगा, और रोहतांग टनल है यहाँ से भाई आपकी 25-24 किलोमीटर भाई, 50-24। ये देखो भाई पूरा रोड चला गया, अरे मैं अभी बना लूँ रुक जा, पूरा रोड ही चला गया ये, इस तरीके से पूरे रोड जा रखे जगह जगह से। गाड़ी के अंदर डीजल ना वैसे रात को फुल करा लिया था, पर अब दोबारा से फुल करा लिया है। अब पूरी आपको पहाड़ों में माइलेज बता दूंगा भाई कितनी जो है ये अपनी गाड़ी दे देती है। इधर देखो बंडे अगर स्टार्ट कर लिए, देखो यार ये वाला सीन हो रखा है भाई, सारे रोड पे दरार ही दरार है, और भाई पूरा देखो पानी पूरा तकड़ा उफान मार रहा था, एक साइड का तो रोड ही बह गया, खाली पड़ा है मनाली, बिल्कुल खाली हो चुका है, खत्म पानी है। और भाई एक बहुत तगड़ा दुख हो गया है, गाड़ी की सीट है नहीं यार, ये पता नहीं कैसी कट गई। देखो बाहर थोड़ी बहुत हो कुछ भी हो जाए, मतलब ऐसी चीज़ सीट वीट होती है ना ये कट जाए ना तो दुखी होता है, क्योंकि ठीक नहीं हो पाती। अब जब तक ये गाड़ी रहेगी ये चीज़ इसके अंदर में रहेगी, पर कोई नहीं चलो चलेगी तो गाड़ी, थोड़ा बहुत होता ही है। और यहाँ से तो भाई पूरा ही रोड बह गया, पूरा मतलब ये बना ही रखा है मेरे हिसाब में तो। हमने शुद्ध खाना खा रहे भाई कहीं भी, मतलब होटल देखो सब बंद पड़ा है यहाँ पे, एक आधी चाय खोखा पोखा खुला पड़ा होगा, अभी सुबह सुबह दिन में तो खुल जाएगा, पर बंद पड़ा है अभी फिलहाल बंद है। और बाकी ना सिलेक्टेड ही चीज मिल रही है खाने में, नून है कि आपकी मन पसंद ज्यादा मिलेगी, क्योंकि सप्लाई कम ही है यहाँ भाई। बस अपनी अटल टनल जो है आने वाली है, 2 किलोमीटर यहाँ पे रह गया है, और यहाँ की गाय ना हाँ नीचे 4.5 और उससे नीचे 4, यहाँ की गाय ना नीचे भाई। तो भाई आखिरकार फाइनली अपनी स्कॉर्पियो एन अटल टनल आ चुकी है भाई, माने सर की पहली स्कॉर्पियो एन अटल टनल रोहतांग 10,040 फीट की ऊंचाई पर। जैसे मनाली से यहाँ ऊपर आए ना तो टेम्परेचर अपना थोड़ा सा कम हो गया यहाँ पे, 15 डिग्री हो गया, वैसे नीचे 17 था अब 15 हो गया, और रास्ता भी जो था ना नीचे का ही टूटा हुआ था,
जो मनाली में था बस उससे ऊपर में कोई रास्ता नहीं टूटा हुआ था। यो कुत्ता पाड़ भी लेगा। मनाली से ना ज्यादा ठंड है भाई यहाँ पे। और दे 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 रूम तो खड़ा हो रहा है, सोचो भाई जॉट लग रहा है पकड़ा। ऊपर जाके तो ठंड हो जाएगी यार। ऊपर जाके और ठंड हो जाएगी। ये क्रॉस करेगा ना तो ये ग्रीन वाइट हो जाएगा। इसकी भाई कहानी देखो पता नहीं है। अटल अल्टीट्यूड है 10,040 फीट पे और शायद सबसे लंबी है या हाईएस्ट में ऊंचाई पे। तो इसका अटल टनल नाम क्यों रखा गया आज तक ना भाई? ये फोटो और वीडियोस में ही देखी थी अटल टनल। अटल टनल 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 मतलब पता नहीं क्या निकलने लग रहा है। इससे पहले जो टनल आने लग रही थी ना भाई वे अलग थी यार बंटी, है ना? और जो ये टनल है ये थोड़ी सी अलग है यार। अलग थोड़ी सी है जब यह बनी बनी ना तो यहाँ उड़दम तार दियो तो तार थोड़ी सी मीडिया ऐसी चीज है जो बढ़ावा देते है। तो अटल टनल करके ना पर चीज भी यार अच्छी है। मतलब वो उस चीज में नेगेटिव वे में कर दिया ना, कोई रॉन्ग साइड भगा रहा है, कोई सनरूफ तो निकल रहे हैं तो उस वे में। बाकी स्पीड लिमिट की है। टनल तो श्रीनगर जाती आनी भी बढ़िया है या भी मस्त है, पर ये बहुत रास्ता छोटा कर रखो। यह बात तो अटल टनल की एग्जिट आ चुकी है। और भाई पीछे था 15 डिग्री था, ओ एकदम 3 डिग्री गिर गया। और यहाँ अंदर 23 था, वो तो होना ही था गर्म। अरे यार ऐसे तो कुछ नहीं, कुछ नु करना जा रहा, चेंज हो जाएगा वो, चेंज हो जाएगा कुछ, वो चेंज हो जाएगा, ऐसे तो कुछ भी चेंज ना हो यार। ये कुछ भी चेंज ना हो ऐसे तो। एंट्री मारी थी ना वहां थे भाई 10,040 फुट, अब आ गए भाई 10,075 फुट पे। अरे चुप रह रहो पटौदी का हमारे बालक तो कुछ नहीं कहता। भाई अभी अटल टनल से यहाँ पे आने के बाद में एक एंट्री फीस जो यहाँ पे कटती है एसयूवी की 300 और ये कुछ ऐसी है। और मतलब अभी ना इतने कोई भीड़ भाड़ नहीं है, खाली सही है। और पहली इतनी भसड़ मची रहती थी, क्या होगा ऐसे क्यों देख रहा हूँ? जड़ोला रामपुर का स्टाफ नहीं है यहाँ पे। और यार तुमने पानी में भर दियो फिर भी यहाँ इतना भर रखे है ना। पहाड़ पूड़ बदल चुका नजारे बिल्कुल बदल चुके हैं। सब ब्रेकफास्ट कर लेते कर लिया वैसे, पर ऐसे पानी को देखे एकदम चिल्ड पानी है। कुर्सी उर्सी अपनी लगा लिए, गाड़ी अपनी वहाँ पार्क कर दी है और 424 किलोमीटर रह रहा अभी यहाँ से लेना। भाई एक चीज सजेशन देना, गलत कह रहा हूँ तो भाई हमारे एक घंटे का फर्क था। कैंप यहाँ लगा के साथ में अपना ये वॉशरूम पे बढ़िया सिस्टम बैठ जाता पानी साधर बढ़िया नींद आती थी, एकदम प्लेन रखता। ऐसे देख के ना ऐसे लग रहा है कि एसयूवी गाड़ी का फायदा तो है, आने को अल्टो भी आ जाए पर एसयूवी गाड़ियों को फायदा पूरा है। अगर आप कैंपिंग प्लान कर रहे हो ना भाई तो अटल टनल से निकल के ये शिशु आता है एक जगह, मतलब उससे लगा लो 2-3-4-5 किलोमीटर होगा दुमार के, वहाँ आप कैंपिंग कर सकते हो। रिवर साइड है, यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं है कैंपिंग करने में। हम तो लेट हो गए थे वरना कर तो हम भी लेते। और पता भी नहीं था ना यहाँ है ना, तो खैटी भी खेच दे। इन पहाड़ों पे ना भाई चक्कर से चढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों, मतलब इनको देख के चक्कर चढ़ रहे हैं। दोनों साइड पहाड़ भाई बड़ा तगड़ा सीन है यार, बहुत तगड़ा। और देखो फोन के अंदर भी क्लियरिटी मतलब अलग ही आ रही है कुछ। लद्दाख साइड में ना साइकिलिस्ट बहुत दिख रहे हैं। रोड्स ना यहाँ के बड़े भयंकर है भाई, एक नंबर के लग रहे हैं देखने में। मतलब पहाड़ी बदल गए, सूखे सूखे हो गए, पेड़ पौधे तो गायब से होते जाने लग रहे हैं। अभी जो डांडी आया था ना यहाँ पे आया था एक लास्ट पेट्रोल पंप, मतलब इसके आगे कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। सीधा ले में ही है पेट्रोल पंप, सीधा ले में। और 365 किलोमीटर है यहाँ से ले, 365 किलोमीटर कुछ भी नहीं है बीच में। अब कोई भी पेट्रोल पोट्रोल पंप कुछ भी नहीं है। हमने तो अपने मनाली से भरवा लिया था तो अपनी तो पार जाएगी। अपनी गाड़ी के अंदर में जो रेंज बच रही है ना भाई वो है 445 किलोमीटर की और 364 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ, यानी कि 100 किलोमीटर का मार्जिन है। हमारे साथ ये बिजनेस है भाई, वहां जाके ही बोला मतलब लास्ट पेट्रोल पंप है। और जबकि किलोंग के अंदर है ना ये लास्ट पेट्रोल पंप है तो यार सभी लिखने जो कि अब लिख दिया भाई 330 किलोमीटर बाद है लास्ट। अरे लास्ट ही हुई है भाई, भाई जिसको अपना पेट्रोल पंप चलाना है भाई वो तो लिखेगा। अबे ना लास्ट बाकी यार सच में एक पीछे भी लिख रखा था लास्ट पेट्रोल पंप। अच्छा वो ठीक है भाई। भाई अब इसके बाद लास्ट पेट्रोल पंप कहां पे है, इससे मतलब इससे अगला 330 किलोमीटर। अच्छा उससे पहले कुछ भी नहीं है भाई, भरवाई ले भरवाना ही भला ही है। कितना आया? 7 लीटर ओपे डीजल भाई, बिल्कुल ऊपर तक लबा लब हमने करवा लिया। 900 करवाने सोच रहा था पर वो ये 4 रुपए कम यहाँ पे रह गया। पीछे मणि नगर है, पीछे लेट गया भाई, गाने को मनी नहीं करते यहाँ पे तो एक नंबर का है। और भाई एक चीज हो रहा है देखो, 67 किलोमीटर यहाँ पे चल चुकी है और 9.8 लीटर आ गया। इस हिसाब से गाड़ी दी है 7 ही माइलेज, मजा आ गया इतनी तगड़ी माइलेज देख के। और जबकि जिप मोड में चलाने फुल। इस रूट के ऊपर ना भाई अभी तक में कोई भी मतलब टूरिस्ट वाली गाड़ी नहीं चल रही है इस सीजन में शायद। अभी तो मिलेंगे ले में जाके पर वो शायद श्रीनगर से आ रहे हैं।
अगर कोई मनाली से भी आना चाहता है ना तो आ सकता है, ऐसी कोई खास दिक्कत तो नहीं है देखो। और पहाड़ के कुछ अलग ही होते जाने लग रहे हैं, हम सूखे सूखे पहाड़ होने लग रहे हैं। जिस्पा के अंदर आने के बाद भाई होटल होम स्टे ये यही सारी दिखने लग रही है। और जिस्पा से पहले ना अब जो रोड था पूरा यूं था भाई घुमावदार ही घुमावदार, मतलब हाँ भाई जिसके चढ़ते हैं चक्कर उसके चढ़ जाएंगे। 12 अक्टूबर 2020 को बना था भाई ये फ्लाईओवर। इधर तो सूखा ही पड़ा, इधर से तो कुछ पानी ही नहीं आ रहा। एक पहाड़ क्रॉस करते दूसरे पहाड़ जाते हैं ना तो नजारे बदल जाते हैं। एक और भाई कोई चेक पोस्ट आ गया यहाँ पे, पता नहीं भाई क्या चेक पोस्ट है या फिर एंट्री घर जा मैंने पूछ कहा ना एक कहाँ बैक वाले क्या रियल व्हील ड्राइव बना के इसको। यहाँ पे भाई बस एक एंट्री सी की है कि कितने पर्सन है गाड़ी के अंदर में और कहाँ जाना है, बस वही चीज है। नॉर्मल से कोई फीस वीस तो कुछ थी नहीं। वो लास्ट आपको दिखाया था ना चेक पोस्ट, उससे करीबन 3-4 किलोमीटर आगे सिग्नल फिनिश। उससे पहले तो भाई प्रीपेड का भी पूरा दबा दबा रहे थे और देखो क्या कैसा सीन है भाई, यहाँ तकड़ा सीन ना है रे। एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी, एकदम क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं ना, वो देखिए पीने योग्य है। देखिए रे पिक, देखिए गुड मार्क, देख मुंह में तो लिख देख मिठा पानी है, कदी कदी मिठा पानी है, पिक देख भाई सब एक नंबर का नजारा है। अरे मिठे हो कदी क्यों गो ना कहीं को थूक आ गो के पत्ता नो रही फिर बड़ 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 फटाफट ओए माता रानी भाई पीछे लौटाने लग रहा हूँ। और ना अब सांस लेने में मतलब यूं थोड़ा सी लग रहा है, मतलब खैच खैच कर सांस लेनी पड़ रही है। और भाई जी भी चला रहा भाई देखो जो इस तक पहली हमने कभी भी कही हो ना जो उल्टी आ रही है जी मिचला रहा वो सब झूठ थी, पर अब जो कह रहा है ना कि हाँ भाई हो रहा है थोड़ा थोड़ा तो भाई बहुत सच है। यार कहाँ ले आया यार जमशेदपुर चलता। गाड़ी का हॉर्न चला गया है और गाड़ी जो इंजन आवाज कर रहा है घूम 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 इस तरीके से आवाज करने लग रहा है। रोड कुछ इस तरीके के हो गए भाई, और रही हवा की छाती में तो मतलब आवाज ही पंप सी करने में दिक्कत आ रही है। हवाबाजी बिल्कुल ना करे, डायमोक्स टाइप की गोली आती है वो गोली जरूर लेके जो पहली बार आ रहा हूँ ना लेके आनी चाहिए। बड़ा दिमाग सा खराब हो गया था तो अब गाड़ी मैं चला रहा हूँ, पीछे वो बैठ जाएगा, थोड़ी दिक्कत सी बन रही थी उसके बैठ जाएगा ना भाई लेट जाऊँ यार आराम से, कोई बड़ा ही नहीं इन चीज़ों में। अब चल लेते हैं आगे, हमने लेट लेट के चल रही, रास्ता तो पूरा खत्म है भाई, कति खत्म पड़े है। मेरी मानो ना आगे बैठो पीछे जल्दी ले ले भाई गोल गए क्या ओके तबीयत खराब होगी क्या। अच्छा भाई सिर घूम रहा क्या भाई, भाई ठीक है ठीक है। अरे मुंह बंद करके ले, मुंह बंद करके है कुछ हिसाब किताब। अरे मैं तो साला साहब बन गया घना घना। बिल्कुल खत्म रास्ता पड़े है यहाँ के तो भाई। आप लोग पहाड़ देखो यार, मतलब अलग ही है यार, एक भी पेड़ पौधा कुछ भी नहीं है, पूरा मतलब ब्राउन ही ब्राउन से पहाड़ है यार। यहाँ हमें इंसान है नहीं, ऑक्सीजन है, वैसे पेड़ पौधा ना तो कहाते मिलेगी गजब। और ये 31 डिग्री दिखा रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर, और बाहर ठंड है, पता नहीं गाड़ी मैं बोल गई क्या, हॉर्न तो मैं बोल गया तो ही बोल गया खतो। रास्ते ना बिल्कुल ही खत्म हुए पड़े, और ये देखो कैसा ब्रिज है बिल्कुल पतला सा, अरे भाई ये कैसा ब्रिज है भाई।
बाय बाय। अरे चलो जाओ गाड़ी पीछे मत भागो भाई, चोट लग जाएगी यार। ऐसे ना सीधे सीधे रोड भी आते हैं पर इन पे ना भगा नहीं सकते क्योंकि ये रोड है यूं ही झूलने वाले से, तो गाड़ी ज्यादा तेज भगाई तो मिस बैलेंस होके पता नहीं कहां जाके पड़ेगी। एक एंट्री ना भाई यहाँ सरचू में भी आके इन्होंने करवाई है, तो बस वो ये नंबर नोट करते हैं और आदमी गिनते हैं कितने हैं गाड़ी के अंदर में, कितने नहीं है, बस और कुछ नहीं है। ये देखो भाई कैसा तगड़ा हिसाब किताब आ गया। अब यहाँ पे मेरे को लगता नहीं है कि छोटी गाड़ी यहाँ से जा पाएगी, यहाँ से तो भाई बड़ी गाड़ी ही चाहिए लग ना जाए। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, यहाँ से छोटी गाड़ी नहीं निकल सकती भाई, हैचबैक उचबैक यहाँ से निकल सकती, श्रीनगर से वैसे गाजे पर यहाँ से नहीं है रास्ता। चर्चू जो आता है ना भाई वो ऐसी है मतलब सारे कैंप कैंप सी है, अगर मतलब ज्यादा हालत टाइट है तो यहाँ भी रुक सकते हैं और हमने कैंप ले आओ शायद लगा लेने दें। सरचू के बाद में ना भाई ऐसे रोड आ जाते हैं जैसे मतलब आप टॉप पे आ गए हो और प्लेन सा रोड चल रहा हो और बिल्कुल रोड भी एकदम बढ़िया है 60-70-80 इतनी स्पीड यहाँ पे मेंटेन हो जाती है। ये है देखो भाई एक गाटा लूप, इसमें क्या है पूरा यूं जिग जैग करके है रास्ता, मतलब खतरनाक है यार, और सिंगल ही रोड है भाई ये गाटा लूप है ना यहाँ पे भाई, मतलब इससे पहले ही सबकी हालत खराब हो रखी है, तो अभी हमारा कोई प्लान नहीं है ऐसा आगे जाने का ज्यादा, इससे आगे है भाई 40-50 किलोमीटर पांग है, तो हम सोच रहे हैं नाइट स्टे वहीं पे कर लें। ले तो देखो पहुंचा नहीं जाएगा, सबकी हालत भाई टाइट सी होगी यहाँ पे, सबकी हालत टाइट है, तो अब थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कैंप लगा के क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है ना, तो कैंप लगा के अपने थोड़ी सी देर यहाँ रेस्ट कर लेंगे 2 घंटे, फिर पांग में सो जाएंगे नाइट में। टेंट ना भाई अब तक जितने भी लगाए थे ना सबसे बढ़िया टेंट है ये, सेटअप कर लिया और मैं तो अपनी ये बिछा कर लेट गया हूँ, हालत टाइट होगी भाई सबकी, बहुत बुरे वाले जिसको कहते हैं ना वो हालत टाइट है, मतलब अब ऐसा हो गया कि आगे जाया नहीं जा रहा भाई बिल्कुल भी, मतलब होठ सूख गए, गला सूख गया, सांस सा नहीं आ रहा, अब ना मतलब वो करेगा भाई पांग ही जाएंगे हिम्मत हुई तो, वरना उसको भी देखेंगे। सागर तकिया तू क्यों लिया भाई, ना खोल ले रजाई ना खोल ले, अंदर गर्मी है। यहाँ पे आए हुए ना 1 घंटा हो गया और लेट रखे हैं भाई, भाई मतलब हिम्मत नहीं हो रही यार उठने की, बहुत जोर से सिर में दर्द हो रहा है बहुत जोर से, ऐसे नहीं मेरे यहाँ जितने भी हैं 6 के 6 की हालत ही है यार, सबके बहुत भयंकर सिर में दर्द है और सबके पूरे चक्कर आ रहे हैं, मतलब उठने की हिम्मत नहीं यार। यहाँ गाटा इसी पे पड़े हैं यहाँ पे, अब आगे जाएंगे फिर वहाँ देखें भाई कितने 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा, फिर शायद वहाँ पांग में जाके कैंप की जगह मिल सकती है। यहाँ पे तो यार थोड़ा सा है कि अनसेफ सा है, कुछ भी नहीं यार यहाँ पूरा रोड भी लगा रखी, सब रोड भी लगा रखे, बाहर भी घूम तब दिखाऊंगा। देखो भाई यहाँ पे हमने एमरजेंसी में भाई कैंप सेटअप करना पड़ा, मतलब गाड़ी भी यहाँ से यहाँ आगे करने की हिम्मत नहीं हुई, यहीं पे कैंप सेटअप कर गया। इतनी ठंड थी, देखो भाई धूप जब यहाँ थी तो बहुत बढ़िया मौसम था, सिस्टम खराब हो गया भाई। भाई यार ये नो क्वेश्चन का जो ये है यार, ठंड रोक में सीधी हवा लग रही थी अंदर। एक हम पता रात को क्या करेंगे, जिस साइड की हवा है ना हम ये वाला पोर्शन करेंगे। अबे 2 गाड़ी लगा के सोऊंगा अगल बगल में ताकि वो जयपुर हो। गाड़ी स्टार्ट कर ली भाई फिर से, अब पांग की तरफ जा रहे हैं, हिम्मत तो देखो हो नहीं रही है बिल्कुल भी, और भाई इसकी वजह से ना बहुत ज्यादा ठंड सी लग रही है। अब वो लेके आनी थी वो हवा वाली जो जैकेट रहती है ना, पांग की तरफ जाके वहाँ पे ही करेंगे भाई स्टे। यहाँ पे एक शॉर्टकट दिख रहा है तो दूसरी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, फिर मिला जुला के इस पे से ले लेंगे पार। फोन के अंदर ना ये चढ़ाई दिख नहीं रही कुछ भी, ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने ऑफ कर दिया और इस पे स्पीड मार रहा बंडी, पर जूम में ना बंडी पावर महसूस हो रही भाई। भाई ये वीडियो में ना तो नहीं लगा है, वैसे नकली पकली है कुछ नहीं ना भाई, देखो सारी बोतल ही बोतल पड़ी है। अब कहा जाता है कि यहाँ पे से ट्रक ड्राइवर या बाइक ड्राइवर कोई मतलब पानी के उससे मर गया था, पानी नहीं मिला था उसको, तो सब यहाँ पे पानी चढ़ा चढ़ा के जाते हैं। पांग से ना भाई 7-8 किलोमीटर पहले है तो कैंप लगाने को लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे, ये बोले लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, तो
कहाँ पहुंच गया? पांग, पांग। हाँ ऑलमोस्ट पांग में पहुंच रखे हैं, 7-8 किलोमीटर पहले, मतलब मेन जो चीज है। तो फिर यार कैंप अब लगाने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी, और वो ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, तो यार बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल हो रहा है यार, बहुत ज्यादा मुश्किल। दही बिल्कुल टूट गया भाई, मैंने तो दो हाथ जोड़े, मैं तो आऊँ नहीं कभी इस रास्ते से। और ये हमने ले लिया भाई रूम सा, ये 1000 रुपये में लिया है, 1000 रुपये में 6 जने आराम से हो जाएंगे, कहीं डबल बेड दे रखे यहाँ पे। तो भाई यही सब कुछ था बस आज की इस वीडियो में। आज का दिन तो भाई बड़ा परेशानी भरा था, बहुत ज्यादा दुखी हो गया यार। इस वाले रास्ते से ना भाई बिल्कुल मत आना यार, मनाली से अगर आप ले आ रहे हो ना बिल्कुल मत आओ। तो ठीक है, वीडियो पसंद लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना।